संदीप को एक नया दिन और नया टॉपिक के साथ। आज हमारा टॉपिक है कि आप स्लोट के यूनिवर्सिटी किस मकसद से आते हो, किस सोच से आते हो। टॉपिक है ना कि आप सुबह उठ के किस मकसद से, किस सोच से यूनिवर्सिटी आते हो, तो आप क्या कह रहे हो? आप सुबह उठ के, इसमें एक 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 स्लैंग, एक वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं जो पोस्टों का है, उसका कहते हैं कि अलका, तो जिस हर पास ही बस सोच रहा सी। तो आप सुबह उठ के क्या डेवलपमेंटल होता क्लास इज इंपॉर्टेंट इन और खुदा है उर्दू में बोले, टाइम पास लाजम है उर्दू में बोले, फिर भी किस मकसद से आते हो? बस वैसे ही चिल माहौल है, स्टडी करने नहीं आते हो? घर में कुछ नहीं होता इसलिए। चलो आपके अबू अम्मी, अबू अम्मी ये व्लॉग देख के आपको फिर ये जो है घर में जब होता है तो सिर्फ और सिर्फ कबूतर को, वो उसको क्या कहते हैं, सीटिया और वो ये चीज़ें मार मार के तक जाता है। यहाँ डिपार्टमेंट आके ये गाने सुनते हैं क्योंकि यहाँ पे इनको टाइम मिल जाता है, और हमारे साथ तो नहीं बैठता, हमारा ग्रुप तो वो सामने बैठा हुआ है और ये यहाँ पे बैठा हुआ है, तो तालियां इनके लिए बनती है। भाई हमारे साथ इससे पूछते हैं कि आप सुबह उठ के किस सोच से आते हो, ये लगता है जैसा हर पास तुम सोच रहा है सूचना मोड़ी रही हो, बस फिर अंदर स्टडी सोच लरा रवानी हो, और इतनी हमारी है कि ये देखे टीचर के साथ बैठे हुए कंप्यूटर के सर हैं हमारे, इनसे कुछ बैठ के इस टाइम जो है ना कुछ अगर टीचर ना होता तो आपका जवाब क्या होता? टीचर ना होता तो फिर भी जवाब यही होता, क्यों टीचर तो हमारे फ्रेंड्स ही हैं तरह के, इनसे क्या छुपाना। हमजा आज हमारा टॉपिक है कि आप सुबह उठ के किस सोच से आते हैं यूनिवर्सिटी? हम तो इस सोच से आते हैं कि इधर हम एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे। आप लोग ये वालों का जो पहले तो हम उठते नहीं ना, ये बात भी सही है। आज देखो मैं दो क्लासें नहीं लिया, जब आ गया तो ये मसले, पढ़ाई में दिल नहीं लगता, क्या करे, ये बशारत की गलती नहीं है बस, ये तो अपनी गलती मान गया है जो भी। लेकिन अभी वो माधुरी की तरह, माधुरी उसे बुलाओ, हाँ माधुरी को बुलाओ, उसे उस उसका उससे वीडियो करो मैडम, इन लोगों से नहीं, ये तो सच्चे लोग हैं, हाँ ईमानदार, हाँ बेचारा था। चलो थैंक यू, ये लगा तो जी सहार रहा पास ही बकम सोच रहा जी उर्दू में बोले, पहला पूरा पास ना, अच्छा पहले उठते नहीं हो, जाए पजोर हमरा पास, वल्ला तुम रहा पास दे और सपू यार, ये सुबह नहाया भी नहीं है देखो, नहीं आया नहायो, अच्छा चलो इब्राहिम, आप तो हॉस्टल शिफ्ट हुए हो ना, तो आप सुबह उठ के किस सोच से आते हो? माशाल्लाह सुबह उठते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं, शैम्पू वैम्पू, कभी किसी से श्वास लिया, कभी क्या किया, सही तैयार होके आते हैं, और इन तैयारियों से अंदाजा लगा लो कि किस नियत से आते हैं। नहीं क्या मतलब किस नियत से आते हैं, से पढ़ने की नियत से आएंगे, अगर मैं बात ये नहीं है क्योंकि ये डायरी पकड़ कर इसमें ये डायरी है, क्योंकि हम जो हैं मैं और ये मर्दाना है, सही है, इसलिए आते हैं क्योंकि डायरी जो है एक अच्छा इंप्रेशन चाहता है कि ये स्टूडेंट से, वैसे अगर इनके बगैर आते कोई हमें इस तरह नहीं कहेगा कि यार ये तो वैसे जा रहे कोई टैक्सी वाला ड्राइवर है या ये जो ये कोई उर्दू डिपार्टमेंट, हाँ क्या मतलब उर्दू डिपार्टमेंट, तो ये हमारे सुबह आते हैं, फिर यहाँ पर क्लास लेते हैं, शेर व शायरी होती है, बशारत से मिलते हैं और हमजा से मिलते हैं, और बहुत मज़ा आता है, पैसे इकट्ठे करते हैं, स्टिंग वगैरह पीते हैं, चिप्स वगैरह खाते हैं, मोटिवेशन मिल गया, सब से मिलते हैं नहीं आप अभी हमें आपसे मोटिवेशन मिल गया, मोटिवेशन जिस किसी को भी मोटिवेशन दरकार हो या उसके लाइफ में मसाइल हो, यू कैन बगैर किसी हिचकिचाहट के इब्राहिम खानियाजी अवेलेबल है, और आपको किसी जो भी मसला हो इंशाल्लाह बस। अच्छा जी ये बंदा तो मुझे पता है किस लिए आते हैं यूनिवर्सिटी, तो आप खुद बताए कि आप किस सोच से आते हो सुबह उठ के? जैसे आपको मेरे अनकॉन्शियस का पता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए, वो सिर्फ पढ़ना है,
क्योंकि जिंदगी का मकसद ही अपने आप को जानना है, जिंदगी का मकसद ही है शादी करना, जानना और कजो, क्योंकि अगर आप खुद को नहीं जान पाओगे तब तक आप एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट नहीं बन सकते। साइकोलॉजिस्ट वही है जो खुद को पहले जान सके, मतलब खुद ही का सफर है साइकोलॉजी, आप खुद ही क्या है बिहेवियर की स्टडी बताओ। यूट्यूब में बहुत सारे इस तरह है जो कि अनकॉन्शियस है। जी ज़बीउल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो बहुत अच्छे लग रहे हो, वेल ड्रेसअप हुए हो। और ये बताओ, आप सुबह सवेरे घर से इतने दूर साइकोलॉजी किस मकसद के लिए आते हो, यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है आपकी, काइंडली एक्सप्लेन इट। अच्छा, पहली तो ये बात है कि हम अपने बड़ों से सीखते हैं, तो हमारे जो सियार है वो हर टाइम मस्तूरात के पीछे भागते हैं, तो हमारी सोच भी ये होती है कि हम मस्तूरात के लिए आते हैं, शादी की प्लान बनाने के लिए आते हैं, अच्छा साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए आते हैं। चलो ये तो मजाक था, सही बात बताऊँ तो साइकोलॉजी के लिए या इस सोच से मैं आता हूँ कि हमारे जितने भी पर्सन में डिसेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस है, अपने घर से नहीं निकलते, अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है, उन्होंने उनकी मेंटल हेल्थ पे काम करने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, साइकोलॉजी सीखता हूँ, और स्पेशली आप लोगों के लिए आता हूँ, आप लोग की गैदरिंग के लिए आता हूँ, और अपने आप को इंगेज करने के लिए आप लोगों से मिलता हूँ यहाँ पे, और अपने आप को खुश करने के लिए यहाँ पे आता हूँ और स्टडी के लिए आता हूँ। और यहाँ पे कैसा फील कर रहे हो, टीचर अच्छे हैं, अच्छे पढ़ाते हैं, साइकोलॉजी आपको कैसी लग रही है? यार खुद स्टूडेंट अच्छा होना चाहिए, टीचर जो भी हो, स्टूडेंट टीचर का काम है पढ़ाना और स्टूडेंट का काम है सीखना, स्टूडेंट सीख सकते हैं तो टीचर भी अच्छा है, स्टूडेंट्स भी अच्छा है, डिपार्टमेंट भी अच्छा है, बुक भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। और बाकी यहाँ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में लोग बहुत एतराज़ात करते हैं, कोई यहाँ पे ऐसी कोई किस्म की एक्टिविटीज़ नहीं होती, मींस के ना वेलकम पार्टी होती है, ना फेयरवेल होती है, और बहुत से स्ट्रिक्ट रूल्स है, तो ये सचमुच में साइकोलॉजी में इस तरह के रूल्स हैं? अच्छा पहले तो ये बात मैं बताऊं कि जियो न्यूज़ का एक एंकर है, उसका क्या है वराइच वराइच का कुछ नाम है उसका, मैं तो उसका नाम भूल, उसी तरह आप सेम क्वेश्चन पूछते, आपको साइकोलॉजी करके एक एंकर होना चाहिए, सही है ना। अच्छा ये बात एक्टिविटी तो खुद अरेंज करनी पड़ती है, सही है, अगर आप एक्टिव हो, आप सोशल हो, आपको एक्टिविटी अरेंज करना आती है तो आप जाके एकेडमिक ब्लॉक में या मैम से या जो हमारे स्टाफ है, टीचर स्टाफ है, उनके साथ बात करके आप एक्टिविटी अरेंज कर ले अपने लिए, स्कूल स्पीक अरेंज कर ले अपने लिए, जो आपकी रिलेटेड हो स्टडी के वो अरेंज करके, तो हो सकता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स आने वाले हैं जो अभी BS के एडमिशन में शुरू हुआ है, एक अच्छे माइंड से आए आप सब, और जो आप कर सकते हो उस डिपार्टमेंट में आप एडमिशन करवाएं, और भी सोशल और एथिक्स का बहुत ख्याल रखें, जो कि मतलब अपनी ज़ुबान का ख्याल रखें, अखलाक का ख्याल रखें, क्योंकि यूनिवर्सिटी में आप जब भी आते हैं तो आप सबके साथ आपका बना होना ज़रूरी है, कि ये नहीं कि उनके साथ और इनके साथ मेरा नहीं लगता, सबके साथ ले सबको ले के चलना पड़ता है। और बाकी जो आप क्लास में हो, साइकोलॉजी की क्लास में, क्लास के जो फेलोज़ हैं स्टूडेंट्स से, वो कोऑपरेटिव है किस तरह? बिल्कुल, मेरे स्पेशली आप हो, बशारत हो, या जो सेक्शन बी के हमरा तनवीर, या मेरे कासिल, फुरकान, शाहजेब, सब हम आयान, सब कोऑपरेटिव है, फीमेल भी कोऑपरेटिव है, सब एक फैमिली की तरह हम यहाँ पे रहते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं, सीखते हैं, तो बिल्कुल बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत एक मैं ये कहूँ कि मैं एक फैमिली की तरह यहाँ फील करता हूँ आप लोगों के साथ, और बहुत मज़ा आ रहा है।